Can I help you? Father, मुझे सिस्टर मार्था से मिलना है। आपको सिस्टर मार्था से मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। क्यों? मैं वजह बताना जरूरी नहीं समझता। फादर प्लीज, दो मिनट के लिए उनसे मिलना है, प्लीज। यू आर ट्रेसपासिंग, प्लीज गो। हमारी परेशानी और मत बढ़ाइए। इससे पहले कि पुलिस आए, फादर प्लीज, टू मिनट्स फादर। मैं कहता हूं स्टॉप, आई से स्टॉप। सिस्टर मार्था, सिस्टर मार्था, सिस्टर मार्था, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप जाइए, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। वैसे ही इतना तमाशा खड़ा हो चुका। मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन मुझे तो है, तुम्हारे जैसे जर्नलिस्ट और इंटरव्यूअर्स पहले भी मुझे बहुत परेशान कर चुके हैं। I can't handle it anymore. सिस्टर, मैं कोई रिपोर्टर या जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी वाइफ भी एक डॉक्टर थी, एक हादसे में उसकी मौत हो गई और मुझे लगता है कि वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? आकाश, आकाश भटनागर। और तुम्हारी वाइफ का नाम? माया। इससे पहले कि पुलिस यहां आए, Sister. चले जाओ यहाँ से। Help me, sister. मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, ले जाओ। मुझे आपसे माया के बारे में बात करनी है, sister, please. Sister, please. जाइए यहाँ से। मेरी बात सुनिए, sister, please help me. Sister, please help me, sister. Father, जाने दीजिए मुझे। तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। लेकिन कैसे सिस्टर? ब्रेन और नकुल दोनों मुझे बता चुके हैं कि माया मुझे बुला रही है, और दोनों को पता नहीं कि माया है कहाँ। माया वही है जहाँ से बच्चे होकर आए हैं। मुझे मालूम है कि माया ने बच्चों को क्यों चुना इस काम के लिए, क्योंकि बच्चों के दिल साफ होते हैं, खाली होते हैं। बड़ों की तरह फैसले सुनाने की आदत उन्हें नहीं होती है। बच्चे तो वही कहते हैं जो देखते हैं, जो साफ है, जो सच है। लेकिन मैं कैसे सच मानूं इन सब बातों को सिस्टर? मान भी नहीं पाओगे तब तक नहीं जब तक तुम्हारा मन अविश्वास से भरा हुआ है। माया इसी तरह तुमसे मिलने की कोशिश करती रहेगी, और तुम हरगिज़ उन दरवाजों को खोल नहीं पाओगे जिनके पीछे तुम्हारे सवालों के जवाब हैं। अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती सिस्टर? यकीन करती। मगर क्या वाकई सच्चाई है इन बातों में? मेरे ख्याल में तो है। आखिर अगर हमारी दुनिया हो सकती है तो रूहों की दुनिया क्यों नहीं हो सकती? तो क्या नकुल इसीलिए जिंदा हुआ कि माया की बात मुझ तक पहुंचा सके? अगर माया तुमसे मिलना चाहती है तो जरिया कुछ भी हो, कोई भी बन सकता है। लेकिन वो मुझे अपने पास बुला रही है, इसका क्या मतलब निकालूं मैं? जिंदगी और मौत के बीच कई सीढ़ियां होती हैं। शायद माया किसी बीच की सीढ़ी पर रुक गई है। वो तुम्हें आवाज दे रही है, लेकिन तुम तो सुनी की अनसुनी कर देते हो। बिकॉज यू बिलीव इन नॉट बिलीविंग माई सन। क्यों मुझे आवाज देती रहती है माया?
मेरा ख्याल है कि माया तुमसे अभी तक पूरी तरह से अलग नहीं हुई। कुछ तो होगा जो अधूरा रह गया होगा। लेकिन क्या? ये तो वक्त आने पर ही पता लगेगा। तब तक मैं क्या ऐसे पागलों की तरह घूमता रहूंगा सिस्टर? हर तलाश के पीछे पागलपन होता है। आखिर तुम भी तो कुछ तलाश कर रहे हो। बेवजह तलाश नहीं कर रहा हूं। There you are. बेवजह कुछ भी नहीं होता। जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी भी जरूर कोई वजह होगी। तुम एक पुल पर खड़े हो आकाश, ठीक बीच में। इस तरफ से भी उतर सकते हो, उस तरफ से भी। किस तरफ जाना है ये सिर्फ तुम ही तय कर सकते हो। इसका क्या मतलब है माया? क्या कहना चाहती हो तुम? माया, माया तुम हो। टॉक टू मी, talk to me, Maya. Will you talk to me? Talk to me.